नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज जो कि यहाँ पे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाले हैं, SCRA के बारे में। यहाँ पे हम आने वाले इसको लेकर आए हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पे अपडेट लेके आए हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इसमें लगेगा जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल अपडेट के साथ हम लेके आ चुके हैं 2021 के अपडेट के साथ, इसमें क्या क्या नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं और इसके एग्ज़ाम डेट कब तक होगी और इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, SCRA जो एक रेलवे का ही अप्रेंटिस का भाग है, जिसमें लोगों को बच्चों को MBA कराया जाता है ये भी रेलवे के कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग MBA करना चाहते हैं या फिर कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं रेलवे के अप्रेंटिस करके, तो दोस्तों ये लिए उन लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, आएगी की सारी प्रक्रिया हम इसके बारे में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताएं कि आपको डिटेल। जो लोग हमारे चैनल पर विजिट किया है, हर चैनल को ले सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्योंकि हम दोस्तों सारी जानकारी जो की है SCRA से रिलेटेड, यहाँ पे सारी जानकारी हम इस वीडियो में जो कि आपको फुल्ली डिटेल के साथ देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे ऑफिशियल पेज पे, जैसे कि देख सकते हैं हम आ गए यहाँ पे ऑफिशियल पेज है, जैसे कि यहाँ पे UPSC का। ठीक है दोस्तों, UPSC SCRA का ऑफिशियल पेज है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे जितने भी जो कि एग्ज़ाम में आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे वी इट प्रोसोरिंग MBA फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी बोर्ड और जॉइनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैव नाउ बिकम द इंटेलिग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। वेदर यू वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन इन द इंजीनियरिंग ब्रांचेस, मेडिकल साइंसिस कोर्सेज और एनरोल द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, यू हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये दोस्तों, इसमें से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं SCRA में, इंजीनियरिंग ब्रांचेस से, मेडिकल साइंस से या किसी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम से, तो यदि आपको क्वालिफाई करना होगा यहाँ पे। सिमिलरली एस्पेयर द नेशन वांट्स टू हाईएस्ट प्लेइंग गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेइंग गवर्नमेंट जॉब है ये इंडियन रेलवे में, जैसे कि यहाँ पे IBPS हो गया, नरबाद हो गया, ग्रेड ए के जितने भी पोस्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रेड ए जो होता है, ग्रेड ए के जितने भी पोस्ट आती हैं हमारे अंडर, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं ग्रेड ए में आता है UPSC SCRA जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, तो यहाँ पे सभी का, यहाँ पे इंडियन रेलवे में भी ग्रेड ए है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे में भी ग्रेड ए की पोस्ट आती हैं। वो कौन कौन सी पोस्ट आती है उसके लिए हमने स्पेशली वीडियो बना रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रेलवे में कितनी ग्रेड होती है और कौन से ग्रेड को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे बताते हैं हम आपके इसके बारे में कि आगे क्या है और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा इसका जो कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाता है। कंडक्टिंग एजेंसी कौन, जिसमें मतलब कौन इसका एग्ज़ाम कराता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा इसका जो कि एग्ज़ाम करवाया जाता है। और ये एग्ज़ाम साल में एक बार ही होता है, और इसके जो एग्ज़ाम का मोड है, मतलब कैसे ये एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें इसकी, तो एप्लीकेशन फ़ीस उसे यहाँ पे आपकी 100 रुपये रहती है, SC ST सभी कैंडिडेट्स को। यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर 600 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 400 दोस्तों आपका रिटर्न एग्ज़ाम का होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो टेस्ट होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट से, इंटरव्यू बोलते हैं, वो आपका 200 होता है। टोटल अंक जो आपके यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपके मार्क्स के एग्ज़ाम होता है, वो टोटल 600 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो वेबसाइट है ये है www.upsc.gov.in, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसकी अपडेट को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें कि जैसे कि देख सकते हैं इसमें आगे है कि SCRA के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा, यानी UPSC द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, रेलवे क्लास, सॉरी दोस्तों, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का रेलवे एग्ज़ाम इन द एंट्री टिकट फॉर कैंडिडेट हु हैव वांट्स टू स्टडी
मैकेनिकल इंजीनियर, दो जो दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बहरी मतलब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडियन रेलवे में इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग द SCRA एग्जामिनेशन वन क्लास हैज़ कम्प्लीटेड। जिसने 10वीं 12वीं पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से वो इसे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम दो फेज़ में होता है, पहला रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसका पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है, उसका ये सारे एग्ज़ाम जो कि PSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और ये SCRA जैसे हैं SCCDS एग्ज़ाम्स, सिविल एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज जितने भी सभी इन जैसे ही वो भी SCRA का एग्ज़ाम है जो कि UPSC द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की प्रक्रिया देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है, और यहाँ पे कुछ बातें बताएगी इवेंट के बारे में कि इसके डेट के बारे में। SCRA का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा अक्टूबर में। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने ही इसका जो फॉर्म है आने वाला है, और डेडलाइन जो इसकी फॉर्म सबमिट करने की होगी वो नवंबर में होगी, जो मतलब लास्ट डेट इसके ऑनलाइन फॉर्म के भरने की। और एडमिट कार्ड इसका जो किया है यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगा, और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है दोस्तों यहाँ पे दिसंबर में ही होने वाली है। दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन की अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि अगले महीने आने वाली है, और यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी के फॉर्म के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। तो आगे इसमें बताया जा रहा है जैसे कि वैकेंसीज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसीज एंड बेनिफिट्स इसमें क्या मिलेंगे आपको। व्हेन इट बिकम टू पोस्ट वैकेंसीज एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द असिस्टेंट मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास ए में इसे अप्लाई करते हैं, यदि आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, तो अप्रेंटिस करने के बाद दोस्तों मैनेजर की पद दी जाएगी क्लास वन ऑफिसर इंडियन रेलवे सर्विस मैकेनिकल इंजीनियर अपॉन द कंपटीशन कोर्सेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टूडेंट पेड स्टिपेंड। दोस्तों यदि आप इसे में करते हैं एप्लीकेशन मतलब अप्रेंटिस करते हैं, तो इसमें आपको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे जो यहाँ पे 9000 से लेकर 13000 के बीच में होंगे, और ट्रेनिंग में दिए जाएंगे सभी ईयर में। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑफ UPSC SCRA सेलेक्टेड वॉज 242। दोस्तों इसमें बस यही एक कमी है कि इसमें जो भी है कि 42 ही सीट अवेलेबल होती है हर साल, जो इसमें 42 ही सीट निकलती है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है दोस्तों, और प्रिजर्व ओनली द SCST OBC सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सेम ही रहती है, 42 ही सीट रहती है, इसमें ज़्यादा सीट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, SCRA में एलिजिबिलिटी यदि किस आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज द प्रीवियस डिस्कशन द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द SCRA एग्ज़ाम कैंडिडेट शुड बी हैव कम्प्लीट 12th। यदि दोस्तों आपने 12वीं पास किया है किसी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो एज लिमिट मांगी जाती है यहाँ पे 17.5 से लेके 21 साल तक के बीच में आपकी जो कि उम्र सीमा होनी चाहिए, और इसमें जो आयु सीमा में छूट दी जाती है जैसे कि देख सकते हैं जो आयु सीमा में यहाँ पे छूट दी जाती है यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी जाती है। कैटेगरी हमारी ये रही, रिलैक्सेशन ये रहा। तो OBC को दोस्तों यहाँ पे हमें 3 साल का छूट दिया जाता है। डिफेंस यदि किसने डिफेंस ज्वाइन कर रखा है यदि उसके बाद ये करना चाहता है तो उसके 3 साल की छूट दी जाती है। SCST को यहाँ दोस्तों 5 साल की छूट दी जाती है, एंड यदि जो जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाती है। ये सारी छूट जो की है इसमें दी जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यानी शिक्षा योग्यता के बारे में। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैथमेटिशियन, यदि आपने 12th किया है मैथमेटिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ, तो यदि 12th किया है तो आप SCRA के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर द एप्लीकेशन हैव पास 12th बोर्ड इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। यदि आपने 12th के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, यदि आपने फर्स्ट ईयर एंड या फिर सेकेंड ईयर में भी हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे दो कैंडिडेट हुए हैं पास द फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स मिनिमम सेकेंड डिवीज़न एंड एलिजिबल। दोस्तों यदि आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी पास कर लिया लेकिन आपके पास सेकेंड डिवीज़न भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन हु पास द प्री इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन मिनिमम सेकेंड डिवीज़न कैन ऑल्सो अप्लाई द SCRA एग्ज़ाम। ये दोस्तों आप इंजीनियरिंग में सेकेंड डिवीज़न भी लाए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं UPSC SCRA एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों ये UPSC SCRA एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, UPSC SCRA कंडक्ट द ऑफलाइन मोड पेन एंड पेपर वाइट एंड रिटर्न वाइल द रिटर्न एग्जामिनेशन इज 600 मार्क्स, प्रोविजनल इंटरव्यू 200 मार्क्स। फर्दर द रिटर्न पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेट
into three paper, duration of the 2 hour. Go through the following table, understanding the CR exam pattern depth. दोस्तों ये मतलब गहराई इसकी देख सकते हैं, इसके एग्ज़ाम्स की, इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम आपके लिए आते हैं जैसे देख सकते हैं इसके से। दोस्तों यहाँ पे तीन पेपर होते हैं आपके, जनरल एबिलिटी, फिजिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सभी 200-200 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, 200-200-200 सभी के लिए 2-2 घंटे यहाँ पे टाइम आपको दिया जाता है। इसमें जो सिलेबस क्या पूछा जाता है, किस सिलेबस से आपको यहाँ पे पूछा जाता है, सिलेबस जैसे देखिए, टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ वीकनेस टू एंड टू स्कोर वेल इन एनी एग्ज़ाम, इंपॉर्टेंट टू बी विल बी वेयर से सिलेबस UPSC CRA असेस द एस्पिरेंट नॉलेज एंड वेरियस फ्रंट ऑफ देयर टॉपिक्स ऑफ द SCRA सिलेबस। दोस्तों आपका SCRA का सिलेबस है वो बेसिकली तीन भागों में टूटा पड़ा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तीन ही चार है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस। जनरल दोस्तों मैथमेटिक्स आपकी जो कि है 12th लेवल की रहने वाली है, फिजिक्स भी 12th लेवल का, केमिस्ट्री भी 10th-12th की रहने वाली है। जनरल जो कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज के बेस पे यदि आपको जनरल नॉलेज आनी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ साइकोलॉजिकल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको ये भी बता दूंगा। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस UPSC SCRA NI एग्जाम हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस कंडक्टेड ऑनलाइन, उससे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे दिया जाता है। मोड ऑफ इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट हैव जस्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पार्ट वन इसे डिवाइडेड थ्री पार्ट ऑफ कंसीडरिंग पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज एड्रेस। ठीक है दोस्तों, पार्ट टू में यहाँ पे SCRA का रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना फोटो जो सिग्नेचर है वो डालना होगा। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे बताया, जैसे मैंने आपको 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SCRA का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर में आने वाला है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऑल द एप्लीकेशन हुए डाउनलोड एडमिट कार्ड, विदाउट एडमिट कार्ड नो एप्लीकेशन विल बी अलाउ इन द एग्जामिनेशन, देयर विल बी डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऐसे कुछ ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो इसके एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, और इसकी एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने वाला है, और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों आपको, जो अगले मंथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम जो कि है होने वाले हैं दिसंबर में, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आने वाली है, इसको भरना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर में जो है इसका आने वाला है ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है दोस्तों जो भी जानकारी थी SCRA के बारे में, हमने आपको एग्ज़ाम डेट को रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ पे दे दिया है, और ये हमने बता दिया कि एग्ज़ाम में क्या अपडेट आई है इसके, उससे भी रिलेटेड हमने सारी जानकारी जो कि स्पेशल क्लास अप्रेंटिस से हमने सारी रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे आप जाए आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई सबसे पहले देंगे और उसका सोल्यूशन भी हम करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो को देखना, तो हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, अगर घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।